सर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। दोस्तों, ये कलीम आजिज की मशहूर गजल के चंद अशार थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलीम आजिज और अल्लामा जमील मजहरी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई वीडियो के साथ। बिहार उर्दू ट्रांसलेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे जो चुनिंदा जो मौजूद हैं, टॉपिक हैं, उस पर मेरे वीडियो सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहता हूं। एक थ्योरेटिकल और एक मारूफ अंदाज में लेक्चर यहां पर अपलोड करता हूं, ताकि दिमाग में आपके वो सारे हकायक बैठ जाएं और एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए आसानी रहे। ऑडियो विजुअल सबसे मौसर तरीका होता है दोस्तों पढ़ने का और याद करने का, तो मेरा वही तरीका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम बात अल्लामा जमील मजहरी और कलीम आजिज साहब के बारे में। कलीम आजिज साहब और अल्लामा जमील मजहरी, ये दोनों अपने वक्त के सबसे बड़े शायरों में से एक हैं। जमील मजहरी साहब एक तरफ तो मर्सिए के मैदान में नुमाया नाम इन्होंने कमाया, तो कलीम आजिज साहब वहीं पर दूसरे तरफ बिल्कुल क्लासिकी शायरी जो होती है हमारी, क्लासिकी शायरी में मीर का जो मकाम है वो हमारे यहाँ जो मुआसिर शायरी थी उसमें कलीम आजिज साहब का एक मकाम था। कलीम आजिज साहब बिहार के रहने वाले थे। हम पहले सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं जमील मजहरी साहब के बारे में। अल्लामा जमील मजहरी साहब का नाम सैयद काजिम अली जमील था, जमील मजहरी के नाम से मशहूर थे, सैयद काजिम अली उनका नाम था। 2 सितंबर 1904 ईस्वी पटना में वो पैदा हुए, 2 सितंबर 1904 ईस्वी, याद रखिए दोस्तों, 1901 से लेकर के 1910, 12, 14 तक के बीच में इतने अदीबों का, फैज मंटो और जमील मजहरी और इसी तरह से वेदी, ये तमाम लोगों की पैदाइश, और इसी तरह से 10 से लेकर 14 के बीच में वो हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद और शिबली नौमानी, इन जैसे लोगों का, अकबर इलाहाबादी जैसे लोगों के, बहुत सारे लोगों के जो इंतकाल हुआ और इस तरह से पैदाइश हुआ, वो सन आप लोग ज़रूर याद रखिए। तो 1904 ईस्वी में पटना में पैदा हुए, 23 जुलाई 1979 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ फिर पटना में ही। रोज़नामा असर जदीद, ये कलकत्ता से इन्होंने, असर जदीद नाम था रोज़नामे का, कलकत्ता से ये शाया होता था, वहाँ पर अदबी कॉलम लिख करके उन्होंने अदबी सफ़र का आगाज़ किया। वहशत कलकत्तवी, वहशत कलकत्तवी जो अपने आप को गालिब सानी भी कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब की जो अपने आप को, मतलब वक्त के गालिब सानी उन्होंने कहा, अपने आप को भी कहा और उनके मुआसिरीन ने भी कहा, तो उनके शागिर्द थे वहशत कलकत्तवी साहब के शागिर्द थे, अजीम शायर हैं वहशत कलकत्तवी साहब। 1942 ईस्वी में सियासत में पार्टिसिपेशन की वजह से, सियासी लड़ाई लड़ने की वजह से, और वही क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था उसी में ये भी जमील मजहरी साहब भी जेल गए थे, ठीक है, ये भी जेल गए थे, और ये वही दौर है क्वाइट इंडिया मूवमेंट का जो चल रहा था गांधी जी की क़यादत में। 1946 ईस्वी में सूबह बिहार के इतलात आमा के अफसर हुए, इतलात आमा यहाँ पे है, ठीक है, उसके अफसर मुकर्रर हुए, यानी सरकारी नौकरी में गए थे। और 1950 ईस्वी में आज़ादी के बाद पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू फारसी के ये प्रोफेसर मुकर्रर हुए, ठीक है, उस वक्त उर्दू फारसी ये सब एक ही डिपार्टमेंट में हुआ करता था, उसके प्रोफेसर मुकर्रर हुए। अब इनके जो शेरी मजमू हैं दोस्तों, उसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, इनके हर शेरी मजमू में अक्सर जमील लगा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इरफान जमील, फिक्र जमील, नक्श जमील, विजदान जमील, आसार जमील, फरियाद व जवाब फरियाद, शिकवा जवाब शिकवा, अल्लामा इकबाल साहब के की नज्म है, तो इनकी नज्म है फरियाद और जवाब फरियाद, ये सब ये नज्मों का मजमू है,
ठीक है, ये इनका एक ऐसा मजमूआ शेरी जो नज़में सिर्फ हैं, तो फरियाद जवाबी फरियाद ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो ये मरसिये में मैंने कहा कि नुमाया नाम है इनका जदीद दौर के शायरों में, जोश मलिहाबादी के पैरू थे, पैरोकार थे, और इसी तरह से उनके उनके फॉलो भी करते थे, अबुल कलाम आज़ाद साहब से भी इनका इनका ताल्लुक था। तो जोश मलिहाबादी और अली अबुल कलाम आज़ाद से ताल्लुक होने की वजह से उनकी जो अदब से इनका गहरा लगाव था, तो उससे पैमाने वफा इनका जो मरसिया है ये अबुल कलाम आज़ाद की तहरीर से मुतासर होकर के इन्होंने लिखा था। और मेदराबे शहादत ये भी इनके इनकी तवील इनका तवील मरसिया है, ठीक है। मेदराबे शहादत और पैमाने वफा, आबो शराब व जहन्नम से, ठीक है, आबो शराब और जहन्नम से, ये दो इनके तवील मतनविया हैं, ये याद रखिएगा। आबो शराब और जहन्नम से, ये अब जमील मजहरी के दो तवील मरसिये हैं जो सवाल में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और मिजराबे शहादत, शहादत ये तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि मरसिये का ही नाम हो सकता है, क्योंकि शहादत, रंग, जंग, बैन, ये सब उसी से ताल्लुक़ रखता है। तो जमील मजहरी साहब ने रिवायती मरसिया कहा उन्होंने, जिस तरह से अनीस और दबीर कहते थे, ठीक है, सलाम मरसिये इनके बहुत मशहूर हैं, गज़लें भी बहुत सारी लिखी हैं। तो इनके इनके शेरी मजमू को याद रखने का तरीका है, जमील इनके अक्सर नाम रहता है, फरियाद जवाब फरियाद याद रखिएगा। 1904 में पैदा हुए थे, 1979 में इनका इंतकाल पटना में ही हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब कलीम आजीज, ये इनके नाम में जिस तरह से आजीज लगा हुआ है दोस्तों, इनकी हयात को जो हम पढ़ते हैं तो वाकई में ये हकीकत हमें नजर आता है कि ये कलीम वाकई में आजीज थे। मतलब एक तो इज्जो इनका सारी का ना हो गया, और दूसरा हम कि हम आजीज आ गए, तो उस ये दूसरे मीनिंग में थे कि अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से इन्होंने मसाइब व आलाम झेला था। आप इनके इनकी जो एक अभी सुन लो मुझसे खुदनविश्त है, इसको पढ़िए तो आंखों से आंसू आ जाएंगे, जिस तरह से इन्होंने मसाइब व आलाम झेला था और इनकी ज़िंदगी में क्या 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 मुसीबतें आई थी, अभी सुन लो मुझसे, ये उनके खुदनविश्त है। तो कलीम आजीज साहब मशहूर कलीम अहमद इनका नाम था, कलीम आजीज के नाम से मशहूर थे। 11 अक्टूबर 1924 ईस्वी को पटना में पैदा हुए थे, और 14 फरवरी 2014 में इनका इंतकाल हुआ था। अभी हाल फिलहाल मतलब 6 साल पहले इनका इंतकाल हुआ, हजारीबाग झारखंड में इनका इंतकाल हुआ था। पटना में पैदा हुए थे, झारखंड में इनका इंतकाल हुआ था। बिहार में उर्दू शायरी के इरतका के मौजू पर 1965 ईस्वी में डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। अब दोस्तों इब्तदाई तालीम ये इनकी छूट गई थी, इनके वालिद साहब चूँकि पहले ही इंतकाल कर गए थे मकतब में थे तभी, इसलिए तंग हाली की वजह से इनकी इब्तदाई तालीम इन्होंने चूँकि नहीं कम्प्लीट कर पाया, तो इधर उधर से डिस्टेंस मोड से इन्होंने पढ़ाई किया था। और बीए में उर्दू ऑनर्स में जब इन्होंने एडमिशन लिया था, बीए एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो वहीं से पीएचडी भी इन्होंने किया था। बिहार में उर्दू शायरी के इर्तका के मौजू पर, क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही इनका मौजू था, तबीयत मौजू थी, शायरी की तरफ इनकी रगबत थी, ठीक है, बिहार में उर्दू शायरी के मौजू पर इन्होंने पीएचडी भी की। 1989 ईस्वी में पद्मश्री के अवार्ड से भी इन्होंने इनको नवाजा गया, तो ये पद्मश्री थे। अब इनकी तसनीफात में अगर देखें तो मजलिस-ए-अदब एक अंजुमन इन लोगों ने इनके दोस्तों ने कायम की थी, उसका ये रुदाद है मजलिस-ए-अदब, ठीक है। वो जो शायरी का सबब हुआ, ये जो इनका इनका शेरी मजमुआ है जहाँ जिसमें बहुत तवील इनका जो मुकदमा है, एक तरह से इनकी खुदनविश थी वो भी समझ लीजिए, ठीक है। जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, ये भी शेरी मजमुआ है। यहाँ से काबा, काबे से मदीना, एक देश एक विदेशी, ये इनका एक सफ़रनामा है, अमेरिका गए थे तो वहाँ का उन्होंने सफ़रनामा लिखा था। और अभी सुन लो मुझसे, ये इनकी खुदनविश्त है, खुदनविश्त है, बेहतरीन खुदनविश्त है दोस्तों, दीवाचा ही पढ़ करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने लिखा है, और जिस तरह से अपने दिल की बातें इन्होंने लिखी है वो पढ़ने के लायक है। तो इनके अक्सर शेरी मजमू में कवि तवील मुकदमा है, और उसमें अपनी शायरी के सिलसिले में काफ़ी तफसील से लिखा, अपनी ज़िंदगी के सिलसिले में काफ़ी तफसील से लिखा। तो कलीम आजीज साहब जो मौजूदा ज़माने के मीर थानी कहते इनको कहा जाता था, मीर का इनका लबो लहजा था, ठीक है, वो तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, बिल्कुल एक डिफरेंट लहजा भी इनका इनके गज़लों के थे, ठीक है, वो भोजपुरी का और इस तरह से जो एक मिलावट थे और उर्दू का मिलावट, तो वो बहुत बेहतरीन इनकी गज़लें शायरी होती थी। तो इतना ही दोस्तों कलीम आजीज़ के सिलसिले में, और जमील मजहरी के सिलसिले में, जमील मजहरी साहब और कलीम आजीज़ साहब, ये दोनों जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और इन जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप लोग इससे याद कर लेते हैं तो बहुत कुछ आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया।